हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज देख रहे होंगे, आज मैं ब्लॉग बाहर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मीन्स घर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा सोच में पड़ गया था, ब्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, इसी के लिए कन्फ्यूज से थोड़ा सा मैं विदाउट ब्लॉग स्टार्ट किए घर से निकल गया। तो फिर सोचा आज ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जो इको रिट्रीट हिराकुद जहाँ पे होता है उधर तरफ साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं। राज मुझे कॉल किया, चल आज साइकिलिंग के लिए जाते हैं। तो मैं बोला इको रिट्रीट हिराकुद जिधर बन रहा है उधर थोड़ा जाते हैं, मैं मेरा थोड़ा सा ब्लॉग भी हो जाएगा। बट फिर बाद में सोचा ब्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज में रह गया था, इसलिए बिना स्टार्ट किए घर से निकल आया। और अभी मैं हूँ महावीर चौक में, फिर सोचा ब्लॉग बना ही लेता हूँ, आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम लोग उधर जा रहे हैं तो इको रिट्रीट हिराकुद तरफ, वो थोड़ा सा बताएंगे, मींस स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हुआ है वो तो मेरे को भी नहीं पता। उधर जाएंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, या कब तक बने या ऑन प्रोग्रेस है या बन चुका है उसके बारे में अपडेट करके बताएंगे। महावीर चौक पीछे है, मैं उधर ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, जेसीबी की खुदाई जो मिलियंस व्यू गया था, तो उधर साउंड का प्रॉब्लम होगा बोल के मैं इधर साइड में आके ब्लॉग को स्टार्ट करूँगा। पहले राज को आने देते हैं, उसके बाद ब्लॉक को मैं कंटिन्यू करूंगा। ये देख लो, मिलियंस व्यू वाला जेसीबी खुदाई चल रहा था, उसी की वजह से मैं उधर जाके ब्लॉक बना रहा था। और इधर तो चल रहा है मिलियंस व्यू वाला जेसीबी खुदाई, ये देख के हो सके तो मेरा भी मिलियन व्यू दिला देना। लो अभी लो राज भी आ गया है साइकिल में घूमने, तो चलिए हम लोग चलते हैं डाइक की तरफ और आप लोगों को थोड़ा सा सनसेट भी दिखाएंगे और इको रिट्रीट हिराकुद के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे, उधर जाएंगे थोड़ा सा। चलो चलते हैं। फाइनली अभी हम डाइक पहुंच चुके हैं, कुछ नज़ारा देखो डाइक का, जो कि आज व्यू अच्छा नहीं है। ऐसा लगा मेरा मजाक चलिए वो अभी से लद्दाख का सफर शुरू होता है। यहाँ से जाने के दो रास्ते हैं, पर डाइक जाने के एक ही रास्ता है वो यही है जो है, और एक रास्ता है पानी की तरफ से तारों के नीचे से, उसके लिए आपको चाहिए बजरंगी भाईजान। अभी हम डाइक पहुंच चुके हैं, मीन्स आप लोगों को तो पता चल गया होगा, मैं रास्ते में साइकिल चलाते हुए बता दिया था आप लोगों को। बट अभी एक लोगों को नज़ारा दिखाने के लिए थोड़ा सा रुका हूँ, दिखा देता हूँ। वैसा क्लाउडी फॉर्मेशन कुछ वैसा तो नहीं है, बट अच्छा है, अभी दिखा देता हूँ। डाइक का नज़ारा सबके मुँह में बज गया बारा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये हमारा डाइक और इको रिट्रीट हिराकुद वहाँ पे, और हम लोग उधर जाएंगे और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कुछ पूछेंगे, जाएंगे पूछेंगे, होगा तो बताएंगे, नहीं तो गुपचुप खाएंगे समोसा खाएंगे घर जाएंगे। एक्चुअली ऑन द प्रोसेस है इको रिट्रीट हिराकुद मना कर रही है भैया, उधर से हमको अंदर जाने नहीं दिए, तो पीछे वाला रास्ता में जा रहे हैं हम लोग। मीन्स थोड़ा सा काम हुआ है, बहुत बाकी है काम, अभी वो छोटा छोटा टेंट बनना बाकी है, उसके बाद बड़ा टेंट, तो बस ये एक ही बना है। अरे राज का फोटो भी देख लो थोड़ा सा, इसी बात पे ठोको लाइक बजाओ कमेंट। और एक बात बताना था कि ब्लॉग में उतना ज़्यादा डाल नहीं पा रहा हूँ, मीन्स वीक में एक ही बार डाल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह है, पढ़ाई वगैरह चल रहा है, तो क्या करें, उतना घूमने भी जा नहीं पा रहे हैं राज के साथ, इसलिए ब्लॉग भी नहीं आ रहा है। बट हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, पेट्रोल का रेट ही बढ़ गया, साइकिल पकड़े घूम रहे हैं कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जाएंगे वो भी अच्छा अच्छा ब्लॉग, जितना हो सके मैसेज को आगे बढ़ाओ बहुत जल्दी अच्छा अच्छा ब्लॉग डालेंगे, घूमने जाएंगे, बाइक में एक ट्रिप करेंगे सोच रहे हैं राज के साथ, और साइकिल में भी एक दो ट्रिप करेंगे बड़ा वाला, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वही था मैं आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि ब्लॉग उतना आ नहीं पा रहा है, मीन्स जो वीकली दो वीडियो आ रहा था अभी वीक में एक ही वीडियो आ रहा है, तो वही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर किया, मीन्स एग्ज़ाम वगैरह आ जा रहा है, उतना वीडियो शूट करने नहीं हो रहा है, ये वीक के लिए मेरे पास वीडियो ही नहीं था, इसी के लिए मैं इधर चला आया कुछ इको रिट्रीट का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और थोड़ा सा डाइक का राइड हो जाएगा, इसी बात पर मैं आया इधर। ये वीडियो आप लोग संडे देख रहे होगे, वही बताना था, तो इधर भी देखने के लिए और इधर भी। और
और एक प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ, GoPro का चार्ज खत्म हो गया, तो मैं अभी राज का आईफोन से ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग इको रिट्रीट से वापस आ गए, दो अंकल बैठे थे, वो आप लोग लास्ट क्लिप में देख के पता कर सकते हो। उनसे पूछे, बोले कल होगा। उनसे पूछे कि इको रिट्रीट कब स्टार्ट होगा, तो वो बोले हम लोग को भी बेटा पता नहीं है, 5 को स्टार्ट होगा या 15 दिसंबर को। और अभी हम लोग बाइक का जो दूसरा रास्ता है, जो प्रधान पाली देख के जाते हैं, वो हाईवे से जाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो और आगे जाके आप लोगों को अपडेट करते हैं। अभी हम हाईवे के पास पहुंच चुके हैं और आगे टोलगेट है संबलपुर झारसुगुड़ा हाईवे का, उसको क्रॉस करने वाले हैं। इधर राज और मैं खुद को नहीं दिखा सकता क्योंकि फोन बहुत महंगा पकड़ा हूँ, टूट गया तो बंदे का मुस्कान अब पिघल जाएगा, बट ये जगह अच्छा लगता है। साइकिल के लिए 10 रुपए लगता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अभी हम पहुंचे हैं माझीपाली चौक में, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे और होगा 4 या 5 किलोमीटर अठापाली चौक को खाते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। अभी हम स्नैक्स स्नैक्स करके निकल चुके हैं माझीपाली चौक से, अभी हम मेठापाली चौक आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा कॉफ़ी ब्रेक लेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। और कॉफ़ी कहाँ पे पी रहे हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा लोकेशन बता देता हूँ। आगे है गोल चौक और ये साइड में जो शॉप है वहाँ पे हम लोग आज कॉफ़ी ट्राई करने वाले हैं। भाई मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ, मैं रेकमेंड करूँगा आप एक बार आओ, अभी तो विंटर चालू हो गया है, ठंड में आओ एक बार, कॉफ़ी का मज़ा लो, मुझे कमेंट में बताना जरूर। तो आज का ब्लॉग में इतना ही था, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय मां सोमली, टिल देन ओके बाय।